असलम दोस्तों, क्या हाल है। मैं तो ठीक हूँ। अब आज मैं दिखाने वाला हूँ जापानी थोयामा मॉस्क। थोयामा सिटी में थोयामा मॉस्क के मस्जिद है। वहाँ पे हर साल रमज़ान इफ्तारी और सहरी का भी इंतज़ाम कर रहे होते हैं माशाल्लाह से। तो आज हम इफ्तारी का दिखाएंगे कि लास्ट इफ्तारी है वहाँ पे। तो मस्जिद भी दिखाएंगे अंदर से कैसी लगती है। ये अभी रिसेंटली कहते हैं बिल्ड हुई है, मतलब पहले थी कि वो ओल्ड बहुत पुरानी हो गई थी, तो उन्होंने उसको फिर रिनोवेट करके पूरा अलग से नया बनाई है मस्जिद। तो आप आपको वो भी दिखाएंगे और मस्जिद भी दिखाएंगे अंदर से। तो चल रहे हैं अंदर, चलते हैं फिर। तो आप देख सकते हैं ये मस्जिद है अंदर से। ऊपर से आप देख रहे होंगे ऊपर इतना सा वो स्ट्रक्चर बना हुआ, ऊपर बना नहीं है। तो वो भी अभी स्ट्रक्चर आगे उसकी कंस्ट्रक्शन ऊपर बन जाएगी। तो ये देख सकते हैं ये बड़े से दो दस्तखान लगती हैं आप माशाल्लाह से, और जब ज़्यादा लोगों से दो तीन चार लग जाते हैं। तो आज दो लगे हुए। तो आज तो ये यहाँ पर आप क्या होते हैं अपने सारे इस्लामिक माहौल और अपनी जितनी भी सोसाइटी कम्युनिटी से रिलेटेड लोग मिल जाते हैं आराम से, और आप उनसे आपकी गैदरिंग बनी रहती है वहाँ पे। और बाकी जो कंट्रीज़ और सिटीज़ में इसका एक इन चीज़ों का खास ख्याल नहीं होता, लेकिन इस मॉस्क में ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल है। तो इसमें थोड़ा अपनापन ये हर चीज़ नज़र आती है, और लोग माशाल्लाह से आ भी रहे होते हैं यहाँ पर। तो आप देखें यहाँ पर माशाल्लाह से देखें यहाँ पर ये किचन है मस्जिद का हमारी, और यहाँ पर ये हमारे चाचा शीदा और चाचा रियाज, इन्होंने पूरे रमज़ान खिदमत की है। ये पकौड़े बनाए बेहतरीन किस्म के, ये जारी है इसका, ये पकौड़े का माशाल्लाह से बड़े बहुत ज़बरदस्त। पूरे महीने बेचारों ने जो है अल्लाह ताला इनको जजाए खैर अता फरमाए, इन लोगों ने खिदमत की है ना मस्जिद की। बाकी आपको अंदर का नहीं, अभी मैं आपको दिखाया था ये किचन था ये, और अभी यहाँ पर बराबर में आ जाएगा ये वॉशरूम। ये पूरा हमारा मस्जिद के बैक एरिया का हिस्सा है, यहाँ पे ये चीज़ें कवर हो जाती है। फिर हम जाते हैं मस्जिद में। ये हमारी यहाँ फ्रूट चाट बनी है यहाँ पे। तो अब क्या कर रहे हैं, इनको प्लेट्स में आके सर्व कर रहे हैं कि सबके आगे सब तक पहुँचा है, सबको एक मिल जाए आराम से। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, अभी कोई नहीं था, आपने देखा था, अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी आवाम आ गई है। अभी और ये दूसरा दस्तखान माशाल्लाह से अभी खाली है, अभी इंशाल्लाह माशाल्लाह से वो भी भरने वाला है। तो यही होता है, सारी कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं, आपस में मिल के वो बैठे खाते ही होते हैं, अच्छा लगता है सबको। देखिए माशाल्लाह से हर कोई आ ही गया है। अब दो और यार दो सुने तो भाइयों, ये रोज़ा खुल चुका है 2023 का लास्ट रोज़ा। कल ईद है जापान में भी, आपको ईद मुबारक। जापान से वो देख रहे हैं और पाकिस्तान से भी देख रहे हैं, तो उसको भी ईद मुबारक। कल हमारी भी ईद है, जैसा कि आज हमने आपको ये दिखाया जापान का। तो इस तरह मैंने पाकिस्तान का भी डाला है कि हमने जो घर पे बनाया है रोज़ा लास्ट, उस तरह आप देखने तो जाएँ, कमेंट में डाल दूँगा, देखिएगा ज़रूर। फिर इस तरह अगले ब्लॉग में मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।